जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हो इसका मेन मोटर का प्रॉब्लम था, जो काफ़ी टाइम गाड़ी खड़ी थी तो उसमें टैंक में पानी जाकर और वो ये मोटर पूरा मतलब रेस्ट लग गया था, तो ये जंग लग के ये जाम हो गया था, तो ये ख़राब हो गया। और फिर गाड़ी भी मिसिंग कर रही थी थोड़ा थोड़ा, जो रुक रुक के चल रहा था, तो हमने सिर्फ ट्यूब मोटर इसका चेंज किया है। जो कुछ लोग मतलब इसको पूरा कम्प्लीट ही चेंज करते हैं तो उसमें 5,000 से ज़्यादा खर्चा जाता है, लेकिन ये ट्यूब मोटर चेंज करके आप 1,500 से 2,000 में फ्री का। तो अभी हम लोग इसको फिटिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसके टैंक में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इसकी जगह पे बोन ट्यूब लगा रहा हूँ ताकि पेट्रोल लीकेज ना करे कहीं से। और अभी फिटिंग करके और राइड कंप्लीट करेंगे। इसमें टैंक में पानी जाने का रीज़न यही रहता है कि जो यहाँ पर टैंक रहती है, टैंक के ऊपर क्लीन एक होल रहता है एयर पास करने का, वो नहीं हो रहा था, इसकी वजह से वहाँ पेट्रोल जा सप्लाई नहीं हो पा रहा था। वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में जब ये टैंक अभी पलटी करूँगा। तो गाइस देख सकते हो ये हो गया है फिटिंग। इसमें 8K स्क्रूज लगते हैं, जो 8K टीप आना से काम हो जाता है इसमें। ये आप लोग भी एकदम इजीली आसानी से कर सकते हो। फ्यूल पंप, ये फ्यूल फिल्टर का भी प्रॉब्लम है, बट अभी फिलहाल हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, उसके बाद में ये फ्यूल फिल्टर तो ऊपर से चेंज हो जाएगा, उसके लिए खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं पहले प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके बाद में ये फ्यूल फिल्टर चेंज करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जो सोचते हैं मतलब गाड़ी लेने के बाद में इसको इसका प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो ज़बरदस्ती चेंज कर रहे हैं ये वो ऐसा कुछ भी बोलते रहते थे। इसलिए मेन जो इशू है उसका पहले उसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में फिर आगे का जो भी है वो चेंज कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व होएगा तो ये KTM में देख सकते हो आप लोग, इसकी टैंक यहाँ पर है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, मिस्टर मैकेनिक करके मेरा चैनल है, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आपको अच्छी अच्छी टेक्निक मिलेगी यहाँ से, जैसे कि आप लोग ने ये देखा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसके यहाँ पर फिटिंग करते हैं। आज आप ये देख सकते हो, आप ये इसकी यूनिट सप्लाई का है, ये लगाने के बाद हम लोग ये लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये लॉक नहीं लगाएंगे तो पेट्रोल इसके जो प्रेशर बनता है ना, तो ये पाइप बाहर फेंक देगा, तो गाड़ी में कभी भी आग लग सकती है। इसकी वजह से आप कभी भी देखें तो आप मैकेनिक अगर कोई नहीं लगाता है तो आप उसको ध्यान से देखें और बोलें कि आपने लॉक लगाया या नहीं, क्योंकि कुछ लोग पाइप टाइट रहता है उसकी वजह से बोल देते हैं कि सर हो गया,
तो अपनी बाइक पर आप खुद भी ध्यान दें और के बारे में सोचे भी। ये लॉक है, हाँ वही है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ का। अभी हम लोग ये देखिए, इसके लिए पूरा ओपन होता है, ये पूरा ओपन होगा तभी यहाँ पे घुसेगा सॉकेट के अंदर, और फिर ये सॉकेट ये इसके हिसाब से बंद हो जाता है। सो गाइस ये कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसमें पेट्रोल डालूँगा और पेट्रोल डाल के चेक करता हूँ कि गाइस कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये जो एयर पाइप है ये अगर जाम रहेगा आपको तभी टैंक में पानी जाता है, तो ये बिल्कुल जाम था। मैंने पेट्रोल से एकदम क्लीन करके इसको थोड़ा प्रेशर मारा है और अभी ये एकदम ओके हो गया है। इसको मैं टेम्परेली फ़िलहाल तो चालू कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर मैं टैंक लगाऊँगा। पहले एक बार देख लेते हैं मोटर काम कर रहा है, तो एक दो बार चाबी ऑन ऑफ करने का, क्योंकि पेट्रोल सप्लाई बराबर होना चाहिए। अब हम लोग सेल्फ मारते हैं। मिसिंग कर रही थी, इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो ये एयर पाइप है जो पेट्रोल सप्लाई में से पेट्रोल या पानी कुछ भी अगर यहाँ से गिरता है तो नीचे डायरेक्ट इंजन से नीचे चला जाता है, ताकि गाड़ी के ऊपर कुछ ये नहीं होता है। दस के टी पाना से हम लोग इसको टाइट करेंगे। फाइनल फिटिंग डालेंगे, जो इस गाड़ी की जान है और शान है, एकदम